धमाका इतना जोरदार है कि लगता नहीं है कि कोई इसमें बचा होगा। पर ये क्या, टैंक के क्रू मेंबर बाहर निकल रहे हैं, एक नहीं बल्कि कई, और सभी सुरक्षित हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। पर कैसे हुआ और कहां हुआ ये सब कुछ हम आपको बताएं। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। टैंक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहा था और आगे आपको चिटपुट धमाके दिखाई दे रहे होंगे, पर टैंक ऑपरेटर को इस बात का इल्म भी नहीं था कि आगे इतना बड़ा हमला होने वाला है कि टैंक के परखच्चे ही उड़ जाएंगे। जैसे ही कुछ मीटर टैंक आगे बढ़ता है, ड्रोन से ऐसा हमला होता है कि खेल वहीं खत्म हो जाता है। जिस तरह लपटे उठी उससे देखकर लगा कि कोई बचा नहीं होगा, पर अंदर मौजूद सभी टैंक कर्मी जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं और वो भी सुरक्षित जगह पर जाकर खड़े होते हैं। टैंक तो बर्बाद हो गया, पर मजबूती की दाद देनी होगी कि अंदर मौजूद जितने भी लोग थे वो इतने बड़े धमाके में भी सुरक्षित हैं। वीडियो बाखमूत का है और बर्बाद होने वाला टैंक रूस का। यूक्रेन की 225वीं बटालियन ने ये वीडियो जारी कर रूस के टैंक को बर्बाद करते हुए दिखाया है, पर शायद वो इसकी मजबूती अब दुनिया को दिखा गए। यानी टैंक तो बर्बाद हो गया पर अंदर मौजूद जिंदगियां बच गई। बाखमूत में रूस से यूक्रेनी सेना की लड़ाई जारी है, पर बड़े हिस्से पर रूस का नियंत्रण है ऐसा दावा हो रहा है। ऐसे में प्रोपेगेंडा और नैरेटिव की लड़ाई भी समानांतर जारी है, और इस वीडियो को जारी करके यूक्रेन ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। कौन ताकतवर है कौन कमजोर ये तो लड़ाई की बात पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें एक दूसरे पर हावी होने का दावा लगातार सेनाएं कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।